मुबारक चंदनपट्टी पंचायत के मुखिया ललिता देवी हूँ। सभी वासी अपने चंदनपट्टी वासियों को ईद बकरीद मुबारक देना चाहती हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के चंदनपट्टी पंचायत से विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं आप सभी लोगों को भारत उदय समाचार की ओर से ईद उल अजहा की दिलो मुबारकबाद, ढेरों शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज के दिन कुर्बानियों का असल मायना एक दूसरे का ख्याल रखने और एक दूसरे को महफूज रखने में है। देश में भाईचारा और अमन व अमान कायम रहे, ये हम सभी की साझी जिम्मेदारी है। ये ईद आपकी जिंदगियों में हर तरह की सलामती एवं खुशियां लाए और ये खुशियां बेशुमार बढ़ती रहे। विशेष कवरेज आप देख पा रहे हैं दरभंगा जिला के चंदनपट्टी पंचायत से, जहां पर हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए अपने अपने मस्जिद के पास गए, खासकर ईदगाह के पास गए और लोगों ने खूब यहाँ अच्छे तरीके से पर्व त्यौहार मना रहे हैं। आपको बता दें, छोटे बच्चों ने यहाँ पर ईदगाह के बाहर और मस्जिद के बाहर जो मेला लगा हुआ है उसमें आइसक्रीम खा रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं। खासकर आज के दिन 3 दिनों तक जो छुट्टी मनाया जा रहा है, इसमें सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से बकरीद का त्यौहार मना रहे हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा आप सभी लोगों को। आपको बता दें कि चंदनपट्टी पंचायत की जो मुखिया है ललिता देवी, उन्होंने भी छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर ईद मनाया है, साथ ही सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दिया है। सितारे उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी शुभकामना दिया है। हम आपको इंटरव्यू सुनाते हैं इस पंचायत के जो लोग हैं, खासकर ईदगाह के जो यहाँ पर सभी लोग हैं, वो उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो मौलाना है वो क्या बोल रहे हैं, साथ ही इस पंचायत के जो पंचायत समिति है अब्दुल कादिर, उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। तो है, और खासकर जो इस मस्जिद का जो इतिहास है या इस गाँव का क्या नाम है? देखिए, आज ईद उल अजहा है जिसे बकरीद कहते हैं जी, और इसका मकसद ये होता है कि आदमी के अंदर सब लोगों के लिए, दुनिया के लिए, समझ रहे हैं, एक अपने अंदर जो एक कुर्बानी का, एक सेक्रीफाइस का एक जज्बा हो कि अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए, सब के लिए, कि जब भी कोई बुरा वक्त किसी पे आए तो किस तरह से हम कुर्बानी दें लोगों के लिए, वक्त का, पैसा का, अपने जान का, जिसको जिस तरह की सलाहियत और इस्तेआत है, जो जैसी एबिलिटी जिसके पास है, वो उस तरह से काम करें कि अपने मुल्क की भी उतनी उन्नति हो, तरक्की हो, आगे बढ़ें। उसके बाद अपने मुल्क में रहने वाले, चाहे हर धर्म के, हर मजहब के जितने भी लोग हैं, सब के लिए मिलजुल करके काम करने और उनके एडवांसमेंट के लिए, उनकी तरक्की के लिए इस तरह के त्यौहार हम लोग मनाते हैं कि उनके लिए क्या हम अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं और किस तरह की सेक्रीफाइस और कुर्बानी हम अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए। मुख्यतः आज किन को याद किया जाता है खासकर? आज असल हुआ ये था कि अल्लाह ताला की तरफ से, जो हम गॉड जिसे कहते हैं, उसी की तरफ से एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी और पैगंबर है, उन्हीं को एक ख्वाब में आया था कि इब्राहिम, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने बेटे को जो है कुर्बानी करके बता दो। तो उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया। तो ये इससे ये एक मैसेज मिलता है ये कि जब हम अपने लिए या मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए या भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए जब कुछ भी हम करेंगे तो उसमें कमी नहीं आती है, बल्कि प्यार में, मोहब्बत में, आपस में, भाईचारे में और भी ज़्यादा इजाफा होता है और हमारा मुल्क भी तरक्की करता है उन सब चीज़ों से। आज कितने दिनों, कितने मिनट का यहाँ पर नमाज अदा किया गया है? ये नमाज जो अदा होती है, नमाज का जो असल टाइम होता है वो मुश्किल से 10 मिनट का होता है। अब लोग आते रहते हैं, टाइम लगता है, उसमें ये है कि जितने देर में लोग जमा हो जाएं, जमा होने के बाद 10 मिनट के अंदर में नमाज। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सलमान है। ये मस्जिद कौन सा है? इसे ईदगाह कहते हैं। ईदगाह है, हाँ, ईदगाह है जहाँ पे ईद की नमाज और बकरीद, दो साल में दो नमाज होती है। अच्छा, तो ये इसका इतिहास कुछ जरा बताएंगे? बहुत पुराना इतिहास है इसका, जो है वो मुझे लग रहा है कि 100-200 साल से भी पुराना होगा इसका इतिहास। ये वाला? हाँ, यहाँ पे नमाज होती आ रही है और हम लोग बच्चे थे तब से, हमारे बूढ़े लोग थे तब से, और बहुत पुराना समय, 100-200 साल से भी पुराना इतिहास, मुझे अंदाजा उससे भी ज्यादा बड़ा होगा इसका इतिहास। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सलमान अहमद। ठीक है। आज का दिन ऐसा दिन है कि सभी भाई मिलजुल के रहें और ये साल में एक बार मौका मिलता है और सभी आदमी हम लोग भाईचारा बना के रखें, यही हम सब सभी वासी, चंदनपट्टी वासियों को, जनता को शुभकामना मुबारकबाद देते हैं। भाई अपना भाईचारा बना के रहें, हम लोग जुटे हुए काम में, हम लोग काम जो भी रुका हुआ है हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, और जो भी मुखिया जी से किसी को भी कुछ भी जरूरत है मुखिया जी से आके मिले, मुखिया जी का मोबाइल नंबर वहाँ पे ऑफिस में लिखा हुआ है, और किसी टाइम भी कोई भी कॉल करे 24 घंटा मुखिया जी हाजिर है,
और सभी को बोले अपने चंदनपट्टी पंचायत में कि सभी आदमी भाईचारा बना के रखें, और हम लोग भी यही सोचते हैं कि सभी आदमी ठीक रहे। आज क्या क्या किया है सुबह से? आज सुबह से हम लोग ईदगाह गए, ईदगाह में नमाज पढ़े, सबसे गला मिले, सबको मुबारकबाद दिए। पहले तो हम अपने बच्चे लोग को सबको तैयार किए, सबको ईदगाह गए, सभी आदमी नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ के सभी से गला मिले, सब खास करके छोटे बच्चे से पहले हम लोग गला मिले। महिला मुखिया जी से आके मिली, सभी मुबारकबाद दी मुखिया जी को, मुखिया जी भी मुबारकबाद दिए। और अभी तक अभी महिला आते जाते अभी पूरा दिन 3 दिन तक मुबारकबाद देने के लिए आएंगे, मुबारकबाद देंगी मुखिया जी सभी को। 3 दिन तक कई पर्व है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सितारे मुखिया प्रतिनिधि पंचायत चंदन पट्टी। क्या काम कर रहे हैं अभी पंचायत में? कुछ काम स्टार्ट किए कि नहीं अभी तक? जी अभी काम 2-3 रोड बनाए हुए हैं, और नाला के हमारे यहाँ जल जमाव की बहुत समस्या है, तो हम लोग उसी में जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है कब तक खत्म हो जाएगा ये? बस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हम लोग उसमें लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी काम को खत्म कर दें। थैंक यू। खासकर आज बकरीद का त्यौहार है, क्या कहना चाहते हैं और कैसे आप लोग सुबह से मना रहे हैं? बकरा का क्या महत्व है, खासकर क्या कहना चाहते हैं? ये त्यौहार जो है भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे को गले गले मिलने का, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करने का, खुशी का त्यौहार है ये। ये सुबह सुबह हम लोगों को ईदगाह में 7:45 बजे नमाज हुई, उसके बाद सब लोगों ने अपने अपने घर जाकर जो बकरा था उसकी तैयारी में लग गए, कुर्बानी के तहत कोई 1 घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद, इसके हिसाब से सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये पूर्वजों से चलता आ रहा है कुर्बानी, बकरे का कुर्बानी पूर्वजों से चलता आ रहा है। मालियत के हिसाब से जिसको जैसा अपना होता है उस हिसाब से वो कुर्बानी करते हैं। आपने देखा ही है कि मेरे पास भी 2 बकरा है, वो एक हम आज करेंगे, को कल करेंगे, उसी हिसाब से हम भी 2 कुर्बानी कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये बताएं कि खासकर ये बकरा जो मतलब जो खासकर क्या बोलते हैं आज के दिन जो होता है? आज जो है आज ईद उल अजहा बोला जाता है, आज के दिन ईद उल अजहा। ये एक बकरीद का त्यौहार है, यानी कि बकरे को शहीद करना है, यानी कि उसको ही कुर्बानी करना है। उसके जरिए ही एक मैसेज समाज में जाता है कि भाईचारे का, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं घर घर जाके, और ये एक मैसेज है कि भाईचारा का जो हमारे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो शुरुआत जो किए थे उस समय से चलता आ रहा है ये बकरे का त्यौहार। ये बताएं कि खासकर जो बकरा बिकता भी होगा, जो बेचने वाले हैं उनको भी तो रोजी रोटी आर्थिक तरीके से, सब लोगों ने एक साल का त्यौहार है ये, सब लोग एक आशा बना के रखते हैं कि हम लोग अभी से बकरा को पोस कर रखते हैं तो बकरीद के समय में इसके बेचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया आएगा। तो ये चल रहा है 10,000 से शुरुआत होता है, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30-35 तक ही चला जाता है, जिस हिसाब का बकरा होता है उस हिसाब से इसका रेंज जाता है। आर्थिक तरीके से ये भी मतलब मजबूती करने वाला त्यौहार है ये है कि कुर्बानी सब लोगों को करना है, जो जिनकी मालियात ठीक ठाक है वो कुर्बानी करेंगे ही करेंगे, जिनके पास मालिया की उस हिसाब से वो हैं कि कमा खा लेते हैं, खा के कुछ बचा लेते हैं, तो ये हम लोग में कहा जाता है कि कुर्बानी उनको करना ही करना है, उन पर कुर्बानी फर्ज कर दिया गया है, कुर्बानी करना ही है उनको। सुबह से क्या क्या किए हैं? सुबह से वो ईदगाह का है, नमाज पढ़ के आए हैं, उसके बाद घर में एक जो हम लोग में नियाज फातिया होता है वो करके हम लोग सेवैया और ये रोटी का जो होता है वो हम लोग करके बैठे हुए हैं। अब 1 घंटे के बाद कुर्बानी के लिए वो आएगा, जब करवाएंगे उसको फिर हम लोग। कितने दिन तक मनाएंगे ये? 3 रोज चलता है, आज मान लिया 9-10 तारीख हो गया, 10, 11, 12 कुर्बानी का त्यौहार 3 दिन का होता है, ये 3 दिन चलेगा। सहेलियत के हिसाब से कोई आदमी आज करेंगे, कोई कल करेंगे, कोई परसों भी कर सकते हैं, इसके हिसाब से चलेगा ये। क्या नाम हुआ? नाम मेरा अब्दुल कादिर। कौन है आप? पंचायत समिति सदस्य चंदनपट्टी। ठीक है। मौलाना जी कहाँ पर है? मौलाना जी हमारे बोला संदेश दे देंगे। चल दे।
भारतीय